महेंद्र सिंह धोनी, सबने नाम सुना है। सिर्फ उस इंसान में कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो तो है ही। आजकल सोशल मीडिया पर MS धोनी द्वारा उनके पूरे क्रिकेटिंग करियर में की गई चंद गलतियों को दिखाकर उन्हें बदनाम करने की भरपूर कोशिश करी जा रही है, और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको MS धोनी के प्रेजेंस ऑफ माइंड के कुछ ऐसे ऐसे शानदार दृश्यों को दिखाने वाले हैं जिन्हें अगर धोनी के हेटर्स भी देख ले तो वो भी धोनी के फैन हो जाएंगे। लेकिन इन शानदार दिमागी दृश्यों को देखने से पहले, अगर आप MS धोनी को एक सच्चा क्रिकेटर और शानदार कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक करना ना भूले। सबसे पहले आप देखने वाले हैं साल 2011 में इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे उस पहले ODI मैच को, जिसमें धोनी के प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखकर ना केवल इंग्लिश बल्लेबाज बल्कि खुद अश्विन भी हैरान रह गए। खेलने जाएगा, अगर बॉल घूमेगा तो स्टंपिंग हो जाएगा। मुझे अभी भी वो दिमाग में नहीं चल रहा कि कैसे बोला है वैसा। दरअसल हुआ ये कि इंग्लैंड की टीम भारत द्वारा बनाए गए 300 रनों का पीछा करते हुए काफी ज्यादा संघर्ष कर रही थी, लेकिन इसी बीच धोनी की यह चतुराई आपका दिल जीत लेगी। दरअसल जब इंग्लैंड के टीम ब्रेसनेन बैटिंग कर रहे थे और रविचंद्रन अश्विन बॉलिंग, तभी धोनी अश्विन के बॉल डालने से पहले ही विकेट के पीछे से इशारा कर देते हैं कि बैट्समैन आगे बढ़ेगा, इसलिए राउंड द बॉल डालना। और आपको शायद यकीन ना हो पर हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि ब्रेसनेन आगे बढ़कर शॉट खेल देते हैं पर वो भूल जाते हैं कि अगर बॉल छूटी तो पीछे धोनी स्टंपिंग नहीं छोड़ने वाले। अब दोस्तों, अगर आपको ये लग रहा है कि ये महज एक कोइंसिडेंस है तो आप ये देखिए, जब धोनी ने अपने आतिर प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल कर किरण पोलार्ड का काम तमाम कर दिया। दरअसल दोस्तों, साल 2022 में एक IPL मैच के दौरान जब चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीमें आमने सामने थी, उस मैच के बाद पूरी दुनिया ने धोनी के दिमाग की जमकर तारीफ की। दरअसल दोस्तों, इस मैच में जब पोलार्ड 8 गेंदों पर 14 रन बनाकर खेल रहे थे, तब धोनी ने पोलार्ड के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया और CSK के सबसे लंबे खिलाड़ी शिवम दुबे को बिल्कुल सामने खड़ा कर दिया, क्योंकि धोनी जानते थे कि उस दिशा में काफी ज्यादा शॉट्स खेलते हैं। और जब धोनी ऐसा कर रहे थे तो पोलार्ड धोनी को एकटक देख रहे थे, और उसके जस्ट बाद ईगो के चक्कर में पोलार्ड ने सामने की तरफ छक्का जड़कर धोनी के प्लान को फेल करने की नाकाम कोशिश करी, पर वो धोनी के जाल में फंसकर उसी फील्डर के हाथों कैच आउट हो गए। इसे देखकर कमेंट्री बॉक्स में बैठे कमेंटेटर भी धोनी की चलाकी को देख तालियां बजाने से खुद को रोक ना सके। और अगर अभी भी आपको ये एक कोइंसिडेंस लग रहा है तो आप इस दृश्य को देखिए, जिसमें धोनी ने अपने शानदार प्रेजेंस ऑफ माइंड के दम पर एक हारा हुआ मैच भारत को जितवा दिया। दरअसल दोस्तों, ये मैच भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जा रहा था, और इस मैच को जीतने के लिए साउथ अफ्रीका को 50 गेंदों में मात्र 4 रनों की जरूरत थी और हाथ में थे 2 विकेट। अब इस इक्वेशन को देखकर हर एक भारतीय दर्शक ये मान बैठा था कि भारत का हारना तो 100% तय है, पर धोनी के दिमाग में तो शायद कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि अचानक धोनी ने फील्ड चेंज किया और ऋषभ पठान को स्क्वायर में लगा दिया, और जैसे ही मुनाफ पटेल ने गेंद डाली तो बैट्समैन ने गेम जल्दी फिनिश करने के चक्कर में यूसुफ पठान को कैच थमा बैठा। अब अगली बॉल पर जब नया बैट्समैन सिंगल लेने में कामयाब रहा, तब धोनी ने फिर दिमाग दौड़ाया और ऋषभ पठान की जगह युवराज सिंह को स्क्वायर पर लगा दिया, और मुनाफ पटेल ने एक बार फिर से ऑफ साइडर में बॉल डाली और बैट्समैन सीधा युवराज को कैच दे बैठा। और ये हारा हुआ मैच भारत ने धोनी के प्रेजेंस ऑफ माइंड के दम पर 1 रन से जीत लिया। पर अगर अभी भी धोनी के हेटर्स को ऐसा लग रहा है कि ये भी महज एक कोइंसिडेंस था, तो ये दृश्य देखो जहां रविचंद्रन अश्विन सुरेश रैना को MS धोनी की चतुराई वाली एक इंसिडेंस को बताते हुए खुद हैरान हो जाते हैं। बोल आई स्टिल रिमेंबर माही भाई केम अप टू मी एंड सेड ट्रॉट को ओवर द स्टंप से मत डालना, सिर्फ राउंड से डालना, वो थोड़ा ऐसा लेग साइड में खेलने जाएगा, अगर बॉल घूमेगा तो स्टंपिंग हो जाएगा। मुझे अभी भी वो दिमाग में नहीं चल रहा कि कैसे बोला है वैसा। दरअसल दोस्तों, ये शानदार घटना उस वक्त की है जब इंडिया और इंग्लैंड साल 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में एक दूसरे के आमने सामने थे। इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा, जिसका परिणाम ये रहा कि भारतीय टीम 20 ओवरों में मात्र 129 रन ही बना सकी। लेकिन उस आसान से स्कोर को चेज करने उतरे एलिस्टर कुक और इयान बेल की जोड़ी की शुरुआत भी बहुत ज्यादा खराब रही, और मात्र 3 रन के स्कोर पर ही इंग्लैंड का पहला विकेट एलिस्टर कुक के रूप में
में गिर गया, पर इसके बाद बल्लेबाजी करने आए जोनाथन ट्रोट काफी सूझबूझ के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे, जो भारत के छोटे से स्कोर के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते थे। पर तभी धोनी रविचंद्रन अश्विन के पास गए और अश्विन को अपना प्लान समझाते हैं कि जोनाथन ट्रोट को सिर्फ राउंड से बॉल डालना है, क्योंकि अगर वो लेग साइड में खेलने जाएगा तो मैं आसानी से उसकी स्टंपिंग कर दूंगा। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जोनाथन ट्रोट वही गलती करते हैं, पर जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो धोनी स्टंप उखाड़ चुके होते हैं। और दोस्तों शायद आपको ये जानकर कोई हैरानी ना हो कि भारत इस छोटे से स्कोर को भी डिफेंड कर चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम करने में सफल रहा। पर दोस्तों अगर आपको अभी भी महेंद्र सिंह धोनी का प्रेजेंस ऑफ माइंड महज एक कोइंसिडेंस का नतीजा लग रहा है, तो आप ये देखिए जहां धोनी अपने चक्रव्यूह के जाल में हार्दिक पांड्या को फंसा उनका काम पूरी तरह से तमाम कर देते हैं। दरअसल दोस्तों ये घटना तब घटी जब साल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने थी, और गुजरात टाइटंस के पूर्व कप्तान हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी कर रहे थे, पर वो स्टंप के पीछे खड़े धोनी के आंखों में कांटे की तरह चुभ रहे थे, और इसीलिए धोनी ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल कर जडेजा को लेफ्ट साइड से हटाकर ऑफ साइड में लगा दिया और महेश तिक्षड़ा को ऑफ स्टंप से बाहर गेंद डालने को कहा। और जैसे ही तिक्षड़ा ऑफ स्टंप से बाहर गेंद डालते हैं तो उसे हार्दिक पांड्या ईगो के चक्कर में अभी अभी लेफ्ट साइड से ऑफ साइड आए रविंद्र जडेजा के हाथों में दे बैठते हैं। अब दोस्तों इसे कहते हैं परफेक्ट स्ट्रेटजी, जो शायद केवल धोनी ही कर सकते हैं। पर दोस्तों धोनी के हेटर्स को धोनी की ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। दरअसल साल 2008 में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई थी और उस समय की ऑस्ट्रेलियाई टीम सबसे मजबूत मानी जाती थी, जिसे में रिकी पोंटिंग एडम गिलक्रिस्ट जैसे खिलाड़ी हुआ करते थे, और इस टीम को उस दौर में हरा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल माना जाता था। पर धोनी की टीम ने उन्हीं के घर में उन्हीं को हरा कर दिखा दिया था। लेकिन दोस्तों आप इस क्लिप को देखिए जब जीत के बाद रोहित शर्मा सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, पर धोनी उन्हें ये करने से पूरी तरह से मना कर देते हैं। पर आप कहेंगे कि इसमें क्या किया धोनी ने, तो दोस्तों धोनी ने यहाँ पर अपने टीम का एटीट्यूड दिखाया। जैसे आज कोई छोटी सी टीम किसी बड़ी टीम से तुक्के से जीत जाती है तो वो खुशी से पागल हो जाती है, वैसे ही उस समय ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत ही ज्यादा बड़ी बात हुआ करती थी। इसलिए धोनी नहीं चाहते थे कि भारत की जीत को लोग महज एक तुक्का समझे, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम को ये बताना चाहते थे कि आपकी टीम भी हमारे लिए बिल्कुल आज की छोटी मोटी टीमों की तरह ही है। यानी दोस्तों धोनी के अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ साथ समझदारी भी बहुत ही ज्यादा थी। इसके बावजूद भी लोग न जाने क्यों उन्हें हेट करते रहते हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें बदनाम करने की भरपूर कोशिश करनी जाती है, जिन्हें देखकर हमें बहुत ज्यादा कष्ट। धोनी कभी भी अपने आप को क्रेडिट नहीं देते, इसके बावजूद भी जितने भी धोनी के हेटर्स हैं वो धोनी को हमेशा ही बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं कि धोनी अकेले ही क्रेडिट लेकर चला जाता है, जबकि धोनी ने खुद कभी भी नहीं कहा कि मैंने ये मैच जिताया। ये तो बाहरी लोग बातें करते हैं, हम सभी बातें करते हैं कि धोनी ने ये मैच जिताया, जबकि धोनी ने कभी भी नहीं कहा है कि मेरी वजह से इंडियन टीम मैच जीती थी और मैंने ही वर्ल्ड कप जिताया है। इसके बावजूद भी लोग धोनी को हेटर्स हेट करते हैं, उनके साथ घृणा करते हैं न जाने क्यों। पर दोस्तों आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और शानदार वीडियोज को देखते रहने के लिए आप अपने छोटे से भाई के छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।